सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारे हंगामे देखने को मिल रहे हैं। युवराज की वजह से अभीरा की जिंदगी में काफी सारी परेशानियां आ रही हैं। युवराज अभीरा को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है। बीते एपिसोड में देखने को मिला था कि अभीरा युवराज की माँ विद्या को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन विद्या गहरे सदमे में चली जाती है। तब अभीरा की आइडिया की वजह से ठीक होती है। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि विद्या को कावेरी यानी दादी सा अपने हाथों से खाना खिलाती है। तब हर कोई अरमान की तारीफ करता है। इस मौके पर विद्या याद करती है कि कैसे अरमान इस घर में आया। इस तरह रूही को पता चल जाएगा कि अरमान विद्या का सगा बेटा नहीं है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आगे देखने को मिलेगा कि अभीरा अरमान को किसी भी तरह युवराज का सच बताने वाली है, लेकिन वह बता नहीं पाती। इस दौरान वह एक बार और कोशिश करती है। तब वह देखती है कि अरमान रो रहा होता है। इस मौके पर अरमान अभीरा को बताता है कि विद्या उसकी असली माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे असली माँ से ज्यादा प्यार दिया। अरमान पोद्दार हाउस में अपने पहले दिन और विद्या से हुए लगाव का जिक्र करता है। इस मौके पर वह अभीरा के पैरों पर बैठकर उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि अभीरा ने विद्या को बचाया है। इस मौके पर वहाँ रूही आ जाती है और दोनों को अलग कर देती है। रूही अरमान को झूठ बोलती है कि उसे दवा नहीं मिल रही है। सीरियल में आगे देखने को मिलेगा कि अरमान रूही के साथ विद्या की दवा लेने रूम में जाता है और उसे मिल जाती है। इस वजह से अभीरा सवाल करती है। हालांकि इस मौके पर मनीषा रूही को ले जाती है और बोलती है कि अरमान और अभीरा मिलकर जेठानी का ध्यान रख लेंगे। इस मौके पर एक नया ट्विस्ट आता है और अरमान के हाथ में जो दवा होती है वो एक्सपायरी डेट की होती है। ये चीज अभीरा पहचान जाती है और विद्या को दवा लेने नहीं देती है। इतना ही नहीं, अभीरा ये समझ जाती है कि युवराज की वजह से ही ये सब हुआ है।